दोस्तों बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि धनंजय धड़कन जी का गाना डिलीट हो गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धनंजय धड़कन जी के गाना पे स्ट्राइक मार दिया गया है, जिस गाना का नाम है राजा सरिया कमोडिया में खोस लेवे द। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात तो सही है कि धनंजय धड़कन जी का जो गाना है राजा सरिया कमरिया में खोज लेवे द, वो 7 मिलियन एबव व्यू गया था। उस गाना को स्ट्राइक मार दिया गया है या उस गाना को डिलीट कर दिया गया है RVF इंटरटेनमेंट के माध्यम से अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि धनंजय धड़कन जी के गाना पे स्ट्राइक गया, डिलीट मार दिया गया, किस कारण से उस गाना को हटा दिया गया है अभी तक किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला है। लेकिन हम आप लोगों के बीच बताने आए हैं कि आखिर धनंजय धड़कन जी का उस गाना पे हुआ क्या है, किस कारण से वो गाना को हटा दिया गया है, डिलीट हो गया है, जिस गाना का नाम है ए राजा सरिया कमरिया में खोस ले विदा। तो दोस्तों मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के रिलेटेड हर न्यूज़ सबसे पहले धनंजय धड़कन जी का स्पेशल मिलता है आप लोगों से। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो गाना था धनंजय धड़कन जी का ए राजा सरिया कमरिया में खोस लेवे द, वो गाना अभी RVF इंटरटेनमेंट पे नहीं है। हमने सर्च किया, बहुत सारे भाई का कमेंट भी था कि भैया उस गाना पे स्ट्राइक मार दिया गया है या डिलीट कर दिया, कि किस कारण से उस गाना को हटा दिया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से कि लगभग 4 मंथ पहले वाला उस कंपनी RVF इंटरटेनमेंट पे गाना है, बाकी 4 महीने के बाद से जो भी गाना उस चैनल पे था वो सारे गाना को हटा दिया गया। हमको लग रहा है कि उस चैनल जो RVF इंटरटेनमेंट है उसको हैक कर लिया है कोई हैकर, इसी चीज़ से लग रहा है हैकर या उस चैनल को डिलीट कर दिया है, या उस चैनल को डिलीट तो नहीं किया, उस गाना को डिलीट कर दिया है या स्ट्राइक मार दिया, मतलब कि उस चैनल को डिलीट कर दिया है या वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, अभी तक ये चीज़ पता नहीं लगा है। लेकिन हमको लग रहा है जहाँ तक कि RVF इंटरटेनमेंट पे जितना भी 4 मंथ के बाद से वीडियो था उस सारे गाने को डिलीट मार दिया गया है, लेकिन अभी तक ये चीज़ बताया नहीं जा सकता है कि उस गाना को डिलीट ही किया गया है, उस गाना प्राइवेट भी है। लेकिन आप लोगों से बता देना चाहते हैं दोस्तों, हबड़ाइए मत, जो चैनल RVF इंटरटेनमेंट से धनंजय धड़कन जी का गाना आया हुआ था वो चैनल किसी हैकर ने हैक कर लिया है, और उस चैनल हैक करके जितना भी गाना है सारे गाने को डिलीट कर दिया गया है या प्राइवेट कर दिया गया है, ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप लोगों से मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि RVF इंटरटेनमेंट चैनल है वो हैक हो चुका था, और वो लगभग लग रहा है कि रिकवरी अभी तक हो ही गया है या नहीं हुआ, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसी कारण से उस चैनल को हैक कर लिया गया, किसी हैकर ने उस चैनल को हैक कर लिया, और हैक करने के बाद धनंजय धड़कन जी का गाना उस चैनल से उड़ चुका है, और धनंजय धड़कन का ही नहीं बहुत सारे कलाकार का उस चैनल से गाने को डिलीट कर दिया गया है या प्राइवेट कर दिया गया, ये चीज़ हम आप लोगों से नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी हैकर की वजह से ये सब हुआ है। तो भाई अगर आप कोई हैकर इस वीडियो को देख रहे हैं भाई तो थोड़ा हमसे बच के भाई, क्योंकि हम आप लोगों को क्या बताऊँ, एक चैनल चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तो भाई मेरे चैनल से हैकर जितने भी भाई हैं आप लोग थोड़ा नज़र हटा के ही रहिएगा, क्योंकि हम ये सब मेटर सेटर में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कोई हैकर मेरे चैनल को डिलीट कर दे या स्ट्राइक मार दे या कोई कुछ कर दे। तो भाई मेरे ऊपर कुछ अगर आप लोगों को गलत लगा हो इस वीडियो को बनाने से तो प्लीज़ आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम बात करके और जो भी हो वो कन्फर्म कर देंगे। लेकिन जितने भी मेरे भाई धनंजय धड़कन जी के फैंस हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धनंजय धड़कन जी का गाना डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है RVF इंटरटेनमेंट से, जो कि 7 मिलियन व्यू गया था। कारण यही है कि उस चैनल को किसी हैकर भाई ने जो कि डिलीट कर दिया है, हैकर के चैनल या प्राइवेट कर दिया गया है, ये चीज़ है बात। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ के साथ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक से बढ़ के एक। तो आपका भाई हम विक्की सिंह, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हो भोजपुरिया समाज। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ को।